गोकुल तो पहुंच गया हूँ, अब कृष्ण के पास पहुंचना है। यदि मैं कृष्ण को अपनी चोंच में पकड़ कर ले जाऊं, तो मथुरा नरेश प्रसन्न हो जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि मैंने कृष्ण को मिटा दिया है। छोटे बकासुर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो देखो, भैया देख रहा हूँ। भैया उससे फल मिलेगा। कृष्ण, कृष्ण। छोटे बकासुर तुम्हें पुकार रहा है। हाँ। उतावला हो रहा है अपने आतिथ्य के लिए। चिंता मत करो यशोदा, आते होंगे भैया। पूरे गोकुल में कड़ा बंदोबस्त करके आया हूं यशोदा। आने दो राक्षस को कहीं से भी, हमारे गोप उसे तत्काल घेर लेंगे। वो गोकुल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं ये लोग। मैं तो समझ रहा था कि मेरा कोई विरोध ही नहीं करेगा। विरोध करने वाले भी हैं, मजा आएगा। ये कृष्ण बलराम किधर है? भीतर खेल रहे हैं। खेल रहे हैं? और तनिक भी आवाज नहीं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अब तक तो दोनों ने घर सर पर उठा लिया होता। है किधर वो? वो कदाचित सो गए हैं। परंतु क्यों सो रहे हैं? इस समय इन दोनों में से कभी कोई सोया है क्या? खेलते खेलते थक गए होंगे भैया, इसीलिए शायद सो गए। पर ठीक तो है ना? क्या मतलब ठीक तो है? अभी कुछ देर पहले तो दोनों उद्धम मचा रहे थे। कृष्णा, बलराम, अरे कहाँ चले गए दोनों? हे राम, कहीं राक्षस तो कन्हैया, बलराम! डांटेगी अब? मुझे नहीं डांटेगी। काना, तुम बाहर क्यों घूम रहे हो? आया, राक्षस आया है, पिताजी ने बुलाया है, जाओ। हाय राम,
इससे पहले कि कोई आ जाए माखन खा लो। हाँ हाँ जल्दी जल्दी चलो 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 माखन निकालो जल्दी। स्वागत है तुम दोनों का। हमारा स्वागत करने के लिए तो तुम हमें कारागृह से यहाँ नहीं बुला सकते कंस। समझदार हो, बहुत समझदार हो वसुदेव। क्या कहा था तुमने कारागार के रक्षकों से? कि गोकुल में नंद को जाकर बता दो कि कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजा है। कृष्ण से तो तुम दोनों का कोई संबंध नहीं है, फिर कृष्ण के प्रति इतना प्रेम, इतनी ममता, इतनी आत्मीयता। जिन शब्दों का तुम मुझे उदाहरण दे रहे हो कंस, उन शब्दों का तो तुम अर्थ जानते ही नहीं हो। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कृष्ण के लिए हमारे मन में क्या भावना है? दुख, शोक, मृत्यु, इन शब्दों का अर्थ मैं भलीभांति जानता हूं वसुदेव, और तुम्हें समझा भी सकता हूं। इसीलिए तो मैंने बकासुर को भेजा है कृष्ण को मारने के लिए। भैया आप दुष्ट हैं। केवल दुष्ट नहीं देवकी, असुर है असुर। असुर, बकासुर भी असुर है। अब तुम दोनों ये सोचो कि उस बकासुर नामक असुर से कृष्ण को कौन बचाएगा? वही परमेश्वर परमात्मा जिसने आज तक कृष्ण की रक्षा की है, किंतु तुम्हें कौन बचाएगा कंस? वसुदेव, कंस अपने बल और सामर्थ्य पर तुम्हें बहुत घमंड है ना? इसी बल और सामर्थ्य के कारण तुम ईश्वर को चुनौती देने का साहस कर सकते हो, किंतु आज मैं स्वयं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। मैंने देवकी की हर संतान को तुम्हें लाकर देने का अपना वचन पूरा कर दिया। मैं तुम्हारे हिंस से मुक्त हो चुका हूं। मैं अब तुम्हारा न्याय करना चाहता हूं। आओ कंस, मुझसे युद्ध करो। युद्ध करो कंस, युद्ध करो। मैं आकाशवाणी को झूठा प्रमाणित करना चाहता हूं कंस, तुम्हारी मृत्यु देवकी की आठवीं संतान नहीं किंतु देवकी के पति से होगी। वसुदेव, निष्पाप बालकों की हत्या करने वाले दुराचारी अधर्मी कंस, तुझ जैसे पापी को तो कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। आज या तो देव की विधवा होगी या तो महारानी केशनी। वसुदेव,
भाभी हट जाए महारानी केशनी। अमा पे चाणू हाँ वसुदेव जी हो देवकी को लेकर यहां से जाइए। अमाते चाणूर हमारी आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा महारानी। चलिए वसुदेव जी। कैसे महाराज यदि आपकी तलवार अपनों के रक्त की इतनी प्यासी है तो आप मेरी गर्दन काट दीजिए महाराज। दीजिए मेरी गर्दन काट दीजिए महाराज। मेरी गर्दन काट दीजिए। क्या हुआ नंदराय जी? कृष्ण को क्यों पुकार रहे हो? कृष्ण और बलराम दोनों घर पर नहीं है। हम उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। घर में नहीं? अरे कहीं राक्षस तो उन्हें उठाकर नहीं ले गया? क्या राक्षस? आप ये क्या कह रही हैं? मुझे मेरा गाना चाहिए। मुझे मेरा गाना चाहिए। हाँ यशोदा। भैया आप तो कह रहे थे आपने बहुत कड़ा बंदोबस्त किया, तो कहाँ है हमारे बच्चे? मुझे कुछ सुना कहना नहीं है। मेरा चाला लाकर दीजिए मुझे। कहिए नंदराय जी, आपने हमें बुलाया? मैंने बुलाया नहीं तो? हाँ यही तो काना ने मुझसे अभी अभी आकर कहा था। क्या कहा? पिताजी ने बुलाया है, घर पे राक्षस आया है, जाओ। कृष्ण तुम्हारे घर आया था? चलिए ना। बाका कन्हैया न्यारा कन्हैया गोकुल में सबका प्यार कन्हैया। माखन की चाह में बाका कन्हैया क्या क्या खेल रचाए रे। छोटे छोटे हाथों से आना माखन। हाय राम, लल्ला ने माखन चुरा लिया। कान्हा माखन खाए रे, कान्हा माखन खाए रे। छोटे छोटे हाथों से कान्हा माखन खाए। अरे क्यों रे कांडा, राक्षस आया था ना? हाँ। तो कहाँ है राक्षस? छत के ऊपर। अच्छा बोलो तुमने माखन क्यों चुरा लिया? माखन नहीं चुराया। देखा नंदरानी जी, आपका लल्ला अभी झूठ भी बोलने लगा है। नहीं माँ। अच्छा आप हंस रही हैं नंदरानी जी?
अब तो हमें कृष्ण को दंड देना होगा। कन्हैया हमें भी तो थोड़ा माखन खिलाओ। नंदरानी जी आप भी स्वामी क्या हो गया था आपको जो अचानक भैया को द्वंद युद्ध के लिए ललकारा? मुझे क्रोध आ गया था देवकी। कब तक हम कंस का अन्याय सहते रहेंगे, अत्याचार सहते रहेंगे? तो क्या उसके लिए आत्मघात करेंगे? मुझे अपने जीवन से घृणा होने लगी है देवकी। मैंने आज तक कभी किसी को सुख नहीं दिया, दिया है तो केवल दुख। इन हाथों को देखो देवकी, इन्हीं हाथों से मैंने हमारे हर पुत्र को कंस के हवाले किया था। हमारे पुत्रों का हत्यारा अकेला कंस नहीं, मैं भी हूं। ये कैसा जीवन है देवकी, हम अपने बेटे को अपना बेटा नहीं कह सकते, हम उसे अपना बेटा पुकार नहीं सकते। जन्म हमने दिया है, हम उसके माता पिता है, किंतु हम उसे पुकार नहीं सकते। हमारा जीवन एक विडंबना है देवकी। इसलिए जब कंस ने मेरा उपहास किया तो मुझे क्रोध आ गया। और अपनी देवकी को विधवा बनाने के लिए आपने उसे ललकारा, ये जानते हुए कि भैया आपसे ज्यादा बलशाली हैं, आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। देवकी मुझे क्षमा कर दो देवकी। अमात्य चाणूर, ये मेरी आपको अंतिम चेतावनी है। यदि आपने मथुरा नरेश को अनुचित सलाह देनी बंद नहीं की तो आपको अपने जीवन के अंतिम श्वास तक कारागृह में जीवन व्यतीत करना होगा। अब आप जा सकते हैं। केशनी, तुम तो कुशल राजनीतिज्ञ बन गई हो। नहीं पिताश्री, ये सब मैं सिर्फ मथुरा नरेश के उचित स्वास्थ्य के लिए कर रही। जानता हूं, इसीलिए तुमने मुझे अपने पिता को मगध वापस जाने को कहा था। कृष्ण का घर। हरिया, ए दामिया, जरा गायों के आगे हरा चारा डालो। अरे यशोदा, कान्हा की दादी कैसी है? आज आपने ये कैसे पूछा जीजी? हम गए थे उनके घर, अच्छी हैं। कन्हैया, बगला सच में आया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।